नमस्कार, मैं उश्वारी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। मिसाइल के एक अहम हिस्से के लिए अब भारत को रूस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नागपुर के सोलर ग्रुप की कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड EEL सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस में इस्तेमाल होने वाले बूस्टर के 2 यूनिट ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए हैं। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा बिहार पुलिस इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर पदों के सिलेक्शन लेटर रिलीज कर दिए गए हैं। वे कैंडिडेट्स जो इस परीक्षा का हिस्सा बने हैं, वे रिलीज होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट से सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bis.nic.in उपलब्ध है। गहलोत समर्थक विधायकों ने सचिन पायलट को CM बनाए जाने की संभावनाओं के बीच विरोध जाहिर कर रहे विधायकों के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं, इसके लेकर भी फैसला पर्यवेक्षकों के रिपोर्ट के बाद लिया जाएगा। खबर है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक मंगलवार रात या बुधवार को अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंप सकते हैं। विपक्ष के देशव्यापी एकजुटता की कोशिश के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरे दिन भी दिल्ली में सक्रिय रहे। रविवार की शाम मुख्यमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भेंट की थी। वहीं सोमवार को अपना दल कमेरावाड़ी के संस्थापक कृष्णा पटेल ने नीतीश से उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर भेंट की। कृष्णा पटेल के पति सोने लाल पटेल के साथ नीतीश के काफी अच्छे संबंध थे। न्यूजर्सी के एडिशन में इंडो अमेरिकन लोगों ने 14 अगस्त को इंडिया डे परेड का आयोजन किया था, जिसमें पीले रंग का एक छोटा बुलडोजर भी दिखाई दे रहा था। इस बुलडोजर पर योगी आदित्यनाथ की तस्वीर पर लिखा था पावा बुलडोजर। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इस बुलडोजर को लेकर लिखा कि न्यूजर्सी की सड़क पर भारत के मुस्लिम विरोधी प्रतीक की नुमाइश। बिहार में इन दिनों पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव अपने कामों की वजह से सुर्खियों में छाए हुए हैं। आए दिन वह अपने काम को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इसी कड़ी में बिहार के वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री से हेमंत नायक ने मुलाकात की। हेमंत नायक के पर्यावरण बचाने का अनोखा अंदाज में संदेश देख तेज प्रताप यादव काफी प्रभावित हुए। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद शशि थरूर ने राहुल गांधी के समर्थन में बड़ी बात सोशल मीडिया पर लिख दी है। उन्होंने वीडियो शेयर करके एक साथ में कैप्शन में लिखा, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने ललन सिंह पर बड़ा हमला बोला है। सुशील मोदी ने ललन सिंह के उस ट्वीट का जवाब दिया है, जिसमें जदयू अध्यक्ष ने सुशील मोदी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का दावा किया था। हाल ही में IT कंपनी विप्रो ने नियमित के साथ दूसरी नौकरी करने वाले अपने 300 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया। वहीं इंफोसिस ने भी मूनलाइटिंग को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। इसी के चलते बीते कुछ समय से पेशेवर दुनिया में मूनलाइटिंग, क्वाइट क्विटिंग और क्वाइट फायरिंग जैसे शब्द कार्यस्थल पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। मूनलाइटिंग वह है जब कोई व्यक्ति अपने नियमित नौकरी के घंटे के बाद कोई दूसरी नौकरी करता है और इसकी खबर वह अपने नियोक्ता को नहीं देता है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्हीं आरोपों के मद्देनजर दावा किया गया है कि 2024 में भाजपा को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंका जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा को 2024 में एक भी सीट नहीं मिलेगी। RPG इंटरप्राइजेज के चेयरमैन हर्ष गोयंका ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में बिजनेस टाइकून रतन टाटा कह रहे होते हैं कि उन्हें वास्तव में वो चीज़ करने में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जिसके बारे में हर कोई कहता है कि यह काम नहीं किया जा सकता है। बीते 24 घंटे में देश कोरोना के 3230 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 32 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले सोमवार को देश में कोरोना संक्रमण के मामले 4129 आए थे, जबकि 20 लोगों की जान गई थी। कल के मुकाबले आज नए संक्रमित मरीजों की दैनिक संख्या में कमी दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी मामले में कर्मी ने समाप्त हो गए आपराधिक मामले में सत्यनिष्ठा या सही घोषणा की है, उसके बाद भी नियोक्ता को उसकी पृष्ठभूमि पर विचार करने का हक है और उसे उस उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर यानी बृहस्पति पृथ्वी के बेहद करीब आ गया है। इससे पहले 1963 में जुपिटर पृथ्वी के नज़दीक आया था। वैसे कहा जाता है कि जुपिटर 59 साल में एक बार पृथ्वी के करीब आ जाता है। जुपिटर 27 सितंबर को सुबह 5:31 तक दिखाई दिया। असम के धुबरी जिले के राजीव भवन में सोमवार को हुई एक बैठक के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के 2 समूहों के बीच झड़प हो गई। राज्य में 1 नवंबर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा के लिए बैठक का आयोजन किया गया था। इसी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए।
आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल मुकेश अंबानी के घर को वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना बताया और कहा कि अगर महाराष्ट्र में उनकी सरकार होती तो उनके घर को तोड़ डाला गया होता। चीन के सरकारी कंट्रोल्ड मीडिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि रूस की क्षमता पर गंभीर सवाल उठाए गए और पिछले 7 महीने से चले आ रहे यूक्रेन युद्ध में पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन ने रूस की सैन्य और रणनीतिक क्षमता को कमजोर कहा है। इससे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी पुतिन के सामने यूक्रेन युद्ध को लेकर अपनी चिंताएं जता चुके हैं। इन दिनों जहां एक तरफ दिग्गज कंपनियों में मून लाइटिंग पर बहस चल रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय कंपनियां एक नई समस्या द ग्रेट रिजाइनेशन से परेशान हैं। साल 2022 की पहली छमाही में भारत में एट्रिशन दर 20.3% पर आ गई है। साल 2020 में भारत का एट्रिशन रेट महज 6% था। यह जानकारी ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विस कंपनी AONPLC के सर्वे से निकलकर सामने आई है। IRCTC ने कहा है कि वंदे भारत ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस के राजस्व पर असर डालेगी। रेलवे अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 सितंबर को अहमदाबाद और मुंबई के बीच तीसरी वंदे भारत ट्रेन शुरू करने वाले हैं। रोबिन उथप्पा के बाद एक और खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा करके क्रिकेट प्रेमियों को चौंका दिया है। बता दें कि पूर्व बड़ौदा और रेलवे क्रिकेटर अनुरीत सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए भारत में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह किसी को टी शर्ट, किसी को टोपी तो किसी को अपने नाम वाली पाकिस्तानी टीम की जर्सी पर ऑटोग्राफ दे रहे हैं। लेकिन इसी दौरान उन्होंने कुछ को पाकिस्तानी झंडे पर भी ऑटोग्राफ दिए। उसी दौरान नजर क्या आता है कि वो पाकिस्तान के झंडे को पाँव से उठा रहे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठों में होने वाली सुनवाई का मंगलवार से सीधा प्रसारण हुआ। आम जनता देश की सर्वोच्च अदालत में चल रही सुनवाई और दलीलों को घर बैठे देख पाएगी। यह पहला मौका होगा जब सुप्रीम कोर्ट में औपचारिक सुनवाई का सीधा प्रसारण होगा। उत्तर भारत के मैदानी शहरों के ऊपर से मानसूनी हवाएं कमजोर होने लगी हैं और अब पश्चिमी शुष्क हवाएं चलने लगी हैं। दूसरी ओर जिन राज्यों में बारिश के लिए स्थितियां अनुकूल हैं उनमें बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल शामिल हैं। इसके साथ ही पूर्वोत्तर भारत के भागों में भी फिलहाल बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार हैं। अब ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में कोई भी व्यावसायिक गतिविधियां नहीं हो सकेंगी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को यह निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताजमहल की परिधीय दीवार से 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को तुरंत रोकने का निर्देश दिया जाए। अब सहरसा के लोग जल्द ही FM रेडियो का लुत्फ उठा सकेंगे। केंद्र सरकार ने सूबे के सहरसा सहित कटिहार, दरभंगा और गोपालगंज में FM रेडियो स्टेशन खोलने पर मुहर लगा दी है। सबसे अधिक क्षमता वाला स्टेशन सहरसा में स्थापित होगा। यहां 10 किलोवाट की क्षमता होगी जिससे 70 से 80 किलोमीटर के दायरे में लोग FM रेडियो का लुत्फ उठा सकेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA से मिली लीड के आधार पर 8 राज्यों की पुलिस ने मंगलवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI को देश भर में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को गुजरात के गांधीनगर में 750 बिस्तरों वाले आधुनिक अस्पताल की आधारशिला रखी। 240 भारतीय सिखों का एक जत्था 28 अक्टूबर को पाकिस्तान जाएगा। भारतीय सिखों का जत्था रावलपिंडी से 45 किलोमीटर दूर स्थित पंजा साहिब गुरुद्वारा में आयोजित हो रहे साखा पंजा साहिब के शताब्दी समारोह में शिरकत करेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस दीपांकर दत्ता की पदोन्नति को लेकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से प्रस्ताव दिया गया है। इसमें जस्टिस दीपांकर को शीर्ष अदालत का जज बनाने का सुझाव दिया गया है। दिल्ली में यमुना नदी के तटवर्ती निचली इलाकों में रहने वाले लोगों को निकालने के लिए अलर्ट घोषित किया गया है और यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर 206.18 मीटर तक पहुंच गया है, जो ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश के बाद इस साल जलस्तर में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि है। मुंबई हाईकोर्ट ने 420 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी के मामले में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को राहत दी है। उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग से कहा है कि वह 17 नवंबर तक अनिल अंबानी के खिलाफ कोई जबरदस्ती कार्रवाई ना करें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राकेश शर्मा, मुट्टू रंगीला, रविशंकर, नुनू कुमार, अखिलेश यादव, जितेंद्र ठाकुर, प्रिंस पूर्वे, भान प्रकाश मौर्य, कलामुद्दीन अंसारी, उपेंद्र और मोहम्मद नौशाद रजा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर।
आज का सवाल है कि आज से आम लोगों के बीच सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का लाइव प्रसारण किया जा रहा है, आपको यह पहल कैसी लगी? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।